यार वो अभी मौलाना तारिक जमील साहब की जो खबर है, जो उसकी जो एक्सीडेंट के बारे में, वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठी है। वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर इब्राहिम खिलजी साहब, उनके अभी कॉल आई। उन्होंने जो है ना अपना जो सेक्रेटरी है, पीए हैं जो उसके मौलाना तारिक जमील साहब के, उनको कॉल की, उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ये जो खबर चल रही है एक्सीडेंट वाली बिल्कुल फेक है। और जो है ना, खैर ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है वो मौलाना साहब बिल्कुल सही सलामत है, बड़ी खुशी हुई। लेकिन हम हैरान जिस बात पे आए कि ऐसी पोस्ट को, ऐसी खबर को हम बिल्कुल वायरल कर देते हैं, या इस सबसे पहली बात, इस ऐसी खबर को उड़ाता कौन है, कौन उल्लू का पट्टा जो है इसको आगे उड़ाता है, और हम जैसे व्लॉगर यूट्यूबर भी भाग के व्यूज़ के चक्करों में, शायद ये माइंड सेट भी होता है हर यूट्यूबर का, व्लॉगर का, तो उसको जल्दी उसको वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने भी एक बना दिया। खैर अल्लाह खैर करे, ऐसी झूठी खबरों से भी परहेज़ करना चाहिए। हम भी बदनाम ना करो व्लागर शुलागर को, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में नेगेटिव फील है, जो जिस बंदे ने भी हरकत किया है ना, बहुत गलत किया। दूसरा, अब लोगों के बस में भी नहीं होता, इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी अहम खबर है, और हर बंदा जल्दी से आगे बताने की कोशिश करता है। अब एक बंदा कोई बंदा पोस्ट कर रहा है, अब देखे एक बंदा पोस्ट कर रहा है, एक बंदा कोई वीडियो बनाता है, वीडियो की सूरत में आगे पहुँचा रहा है। तो बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक और घटिया एक अमल है जो भी स्टार्ट करता है, तो आगे अब हमारी हमारी बुद्धू हवा में हम जैसी वो बस उसको आगे फिर शेयर करना शुरू कर देते हैं। खैर अहम बात यह है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। उम्मीद है जिन लोगों ने, जिन खबीसों ने ये हरकत की है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।